हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 2 मार्च 2023 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर इसके साथ ही आईपीएल के सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हमेशा की तरह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है विमेंस प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग, जहां पर विमेंस प्रीमियर लीग की स्टार्टिंग होने में अब कुछ दिन का वक्त ही बाकी रह गया है। ऐसे में विमेंस प्रीमियर लीग के टिकट्स को भी जारी कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही ये टिकट आउट हुए उसके बाद हमें सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉलिंग देखने को मिली है, क्योंकि ये जो टिकट्स हैं इसमें एक बहुत ही अजीब चीज़ हमें देखने को मिली। सबसे पहले तो अगर टिकट की प्राइसिंग की बात की जाए तो अगर आप लोगों के जो सबसे लोअर लेवल के टिकट होते हैं वो 100 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हाईएस्ट टिकट का जो प्राइस रखा गया है वो 400 रुपये है, यानी कि 100 रुपये से 400 रुपये के बीच में आप लोग विमेंस प्रीमियर लीग के मुकाबले देख पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इसमें विमेंस को और उनके साथ ही यानी कि जितनी भी महिलाएँ हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, उनके लिए विमेंस प्रीमियर लीग को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है और जितने भी मेंस हैं सिर्फ उन्हीं को पैसे देने पड़ेंगे इस मुकाबले को देखने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ा सा अनफेयर लगा जितने भी लड़के हैं उनको। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ ट्रेंड होने लगी। कॉमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग इस चीज़ से अग्री करते हैं या फिर आपको लगता है कि ये इनइक्वालिटी है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर विमेंस प्रीमियर लीग के लिए MI की टीम ने अपने कैप्टन की अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर हमने आपको पहले भी बताया था कि हरमनप्रीत कौर ही इनकी कप्तान होने वाली है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला, जहां पर MI की टीम ने विमेंस प्रीमियर लीग साल 2023 के लिए हरमनप्रीत कौर को अपने कैप्टन के तौर पर अनाउंस कर दिया है, क्योंकि ये भारतीय टीम के भी कैप्टन है। तो ऐसे में कोई डबल डाउट थे भी नहीं कि MI की टीम कोई भी चेंज करेगी इसमें, और हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ। और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है स्टार स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। स्टार स्पोर्ट्स ने IPL 2023 के जो राइट्स होते हैं टेलीविजन वाले, उसको काफ़ी महंगे प्राइस में खरीदा है। और ऐसे में अब उस चीज़ को ऐसा लग रहा है कि वसूलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने जो डिमांड की है जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिमांड कर दी है। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि जो लीग स्टेज के IPL 2023 के मुकाबले होंगे उसके लिए पर मैच 17 से 18 लाख रुपये चार्ज करने वाले हैं। यानी कि अगर किसी भी एडवर्टाइजर को स्टार स्पोर्ट्स के जो बीच के लीग स्टेज के मुकाबले होते हैं उसमें अगर एड्स दिखानी है तो फिर इसको एक मैच के लिए 17 से 18 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर प्लेऑफ्स के दौरान उनको अपने एड्स चलाने हैं किसी भी मैच के बीच में तो उनको 33 से 35 लाख रुपए प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से 17 से 18 लाख लीग स्टेज के लिए और 33 से 35 लाख रुपए प्लेऑफ गेम के लिए, ये एक एडवर्टाइजर से मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से जितने भी अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते हैं आप उस नंबर को इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टार स्पोर्ट्स जो है वो अपना इतनी बड़ी बिडिंग किस तरीके से जनरेट कर पाता है, कहाँ से उनके पास एक्चुअल में पैसा आता है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट की तरफ। और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है जोफ्रा आर्चर के रिगार्डिंग। ऑलरेडी मुंबई इंडियंस की टीम को काफ़ी तगड़ा झटका लग चुका है, जहां पर जसप्रीत बुमराह IPL 2023 से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फाइनली थोड़ी सी साइट ऑफ रिलीफ मुंबई इंडियंस की टीम के लिए निकल कर आई है कि जोफ्रा आर्चर ने बता दिया है कि पहले उनकी जो फिटनेस, जो मिनी IPL हुआ था साउथ अफ्रीकन T20 लीग हुई थी, उसमें 80-85% बताई गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 100% वो फिट हैं और मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि फिर बात वही है कि लास्ट ईयर हमने जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए देखा था तो उस साल हमें जोफ्रा आर्चर नजर नहीं आए थे MI की टीम में। तो जो जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह का डेंजरस डुओ था वो हमें एक तरीके से प्रेजेंट रहता हुआ नजर नहीं आया था, और इस साल इसका उल्टा हो चुका है क्योंकि जोफ्रा आर्चर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब इस साल जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुके हैं IPL से। तो अब होपफुली यही मुंबई इंडियंस के फैंस होप कर रहे होंगे कि एटलीस्ट साल 2024 में बुमराह या फिर जो जोफ्रा आर्चर हैं उनमें से हमें दोनों के दोनों एक साथ मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में नजर आएं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट की तरफ। और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम के रिगार्डिंग। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग चैनल के एक्टिव व्यूअर हैं, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के जो पेस गेंदबाज हैं, जो पेस अटैक को लीड करते हैं, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा, वो IPL 2023 से पूरे के पूरे बाहर हो चुके हैं अपने इंजरी के इश्यूज के चलते हुए। तो इनके रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग अभी तक RR की साइड से कोई भी अपडेट नहीं आई थी, लेकिन अब ये अपडेट आ चुकी है और रिपोर्टेडली अंकित राजपूत वो इनके नए रिप्लेसमेंट के तौर पर RR की टीम से जुड़ने वाले हैं। हालांकि IPL में अंकित राजपूत का परफॉर्मेंस कोई इतना खास नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अब ऑप्शंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जितने भी अच्छे गेंदबाज थे वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, और अंकित राजपूत शायद राजस्थान रॉयल्स की टीम में पास्ट में भी खेल चुके हैं,
के चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम इनको ही प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल करने वाली है। कमेंट करके आप लोग बताइए, अगर आप लोग राजस्थान रॉयल्स की टीम के फैंस हैं तो फिर क्या आप लोग अंकित राजपूत को प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला, जिसका पहला दिन तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जो पिच थी वो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही थी, इसके साथ ही बल्लेबाजी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। हालांकि भारतीय टीम तो सिर्फ 109 रन पर आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब काफ़ी अच्छी सिचुएशन में आ चुकी है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीत भी जाए, लेकिन इस मुकाबले के दौरान बल्लेबाजी करते हुए और जब अपनी बल्लेबाजी के दौरान शुभमन गिल हमें रनिंग करते हुए नजर आ रहे थे तो वहाँ पर वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, जिसके बाद उनकी एक पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्लियरली ऐसा देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा पेनफुल ये चीज़ है, और ऐसे में शुभमन गिल क्योंकि रनिंग कर रहे थे तो उतना ज़्यादा सीरियस हमें चीज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वो हर्ट हैं। और ऐसे में उम्मीद यही करते हैं कि अगली जब उनकी बैटिंग की बारी आएगी तो ये चीज़ उनको ज़्यादा अफेक्ट ना करे और वो अगले इनिंग में भारतीय टीम की बैटिंग के लिए पूरी तरीके से फिट हो जाएं। फिलहाल गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 के ओपनिंग सेरेमनी के रिगार्डिंग। अभी शायद कल वाली वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि जो कियारा आडवाणी है वो बॉलीवुड की पहली सेलिब्रिटी के तौर पर फाइनलाइज हो चुकी हैं, जो कि आईपीएल 2023 के ओपनिंग सेरेमनी में आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने को मिलने वाली हैं। खैर आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है वो 4 मार्च को हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो 4 मार्च की हम बात कर रहे हैं वो एक तरीके से हम बात कर रहे हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग की, क्योंकि यही हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए अब जो एक तरीके से जितने भी परफॉर्मर्स थे उनकी लिस्ट आउट कर दी गई है, जहाँ पर कियारा आडवाणी इसमें आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी, ये तो पहले से ही फिक्स था। इनके साथ ही कृति सैनन और उनके साथ ही एपी ढिल्लो जो कि पंजाबी के सिंगर हैं वो आप लोगों को इसमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। खैर पहले इसमें नेहा कक्कड़ का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रॉल किया गया था कि उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है ओपनिंग सेरेमनी में, तो फिर उसके बाद उनके नाम को ओपनिंग सेरेमनी से हटा दिया गया और अब ये तीन लोग आप लोगों को इसमें परफॉर्म करते हुए देखने हुए नज़र आएंगे, यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को किक ऑफ करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट को लेकर। जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट को लेकर वैसे तो मुंबई इंडियंस की टीम के जितने भी ऑप्शन थे हमने आपको सारे के सारे नाम बताए थे, लेकिन अब रिपोर्टेडली एमआई की टीम इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर वरुण एरन को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। दरअसल वरुण एरन के पास गेंदबाजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसके साथ ही वो एक जो फैक्टर लेकर आते हैं उनकी जो स्पीड है वो जसप्रीत बुमराह की स्पीड के ही आसपास रहती है, और ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम के अगर आप लोग लाइनअप को देखें तो ऑलरेडी उनके पास जोफ्रा आर्चर मौजूद है और एक जो वेरिएशन वाला गेंदबाज होता है उसके तौर पर जेसन बेंडॉफ उनके पास मौजूद है। तो एमआई की टीम चाहती है कि किसी ऐसे तेज गेंदबाज को शामिल किया जाए जो कि बुमराह के आसपास का इंपैक्ट क्रिएट कर पाए, तो ऐसे में क्योंकि एक साइड से आप लोगों को जोफ्रा आर्चर नजर आएंगे तो दूसरी साइड से भी एमआई की टीम एक उसी तरीके के तेज गेंदबाज को लेकर आना चाहती है जिसकी स्पीड उतनी ही हो, ताकि वो जोफ्रा आर्चर की स्पीड के साथ मैच कर पाए और मुंबई इंडियंस की टीम जो बाकी की टीमें हैं उनको वानखेड़े में टेस्ट कर पाए। तो हो सकता है कि अब वरुण एरन के ऊपर मुंबई इंडियंस की टीम मुहर लगा दी जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।